विन लाइफ हेलो राधे 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे से हैं? स्वागत है आपका अवश्य ही YouTube पे, और आज अवश्य ही आपका लाइव प्रोग्राम लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आप अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम आप डालिए फटाफट से। जिस प्रकार से आपको पता है, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे हम लोग आपकी सेवा में अवश्य ही आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करके जाते हैं। तो अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अपने माता पिता का अवश्य ही कहना मानिए, उनकी सेवा अवश्य ही कीजिए। आप माता पिता का कहना मानिए, सेवा अवश्य ही कीजिए आप, और उनकी सेवा में कोई कमी मत छोड़िए। जीवन में कितने भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां आए, आप अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी ना छोड़िए, क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है वो हमेशा जीवन में पाता है, खोता कभी नहीं। तो साक्षी जी अवश्य ही किसका आज लिया जाए प्रोग्राम में? आप शायद लैपटॉप भूलिए साक्षी लैपटॉप जी। से मुझे लिखाती हूँ, इधर लगा देना। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही जीवन में कठिन समय चल रहा है और कठिन समय में हमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में काम करना है, जीवन को संभालना है और जीवन को बहुत प्यारे ढंग से चलाना है। बिल्कुल भी मत घबराइए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके जीवन के साथ हैं और आपके जीवन के साथ चलेंगे। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो साक्षी जी अवश्य ही पहले किसकी कॉल लेंगे आप? संजीव जी, शालिनी गुप्ता की लेते हैं। इनका जन्म जो है 17/7/2014 का इनका जन्म है। 17/7/2014 3:19 का जन्म है, दोपहर का 3:19। और जन्म स्थान है इनका जयपुर। दादी राधे गुरु माँ, ओवर ईटिंग करता है, बच्चा जिद्दी है और इसके पापा का बिजनेस भी नहीं चल रहा है। शालिनी गुप्ता जी हैं और ये जयपुर से है, जयपुर का जन्म है इनका। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच में, इस सबसे अलग, अद्भुत और सच्चे मंच पे। तो बेटे जी, 6 साल का बेटा है। 6 साल का आपका बेटा है, मेरी माता रानी, मेरी प्यारी अच्छी सी बहना। क्वेश्चन एंकर संजीव जी जिद्दी भी है। अवश्य ही पत्रिका में आ ही रहा है, बच्चा गुस्से वाला, जिद्दी, और अगर गुस्से में आ जाए तो किसी का कहना ना मानने वाला, रास्ते पे ही लेट जाने वाला। अगर गुस्सा आ जाए, जिद आ गई, रास्ते पे ही लेट जाने वाला। और ऐसे बच्चे कभी कभार देखा गया है, सामान भी उठा के फेंकते हैं, कभी कभार देखा हुआ है गुस्से में आके अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं।
अपने बड़े बुजुर्गों पे हाथ भी उठा देते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इस प्रकार का भी गुस्सा मैंने देखा है जो मैंने पत्रिका इस समय मेरी माता रानी खोली है। अब अवश्य ही मेरी माता रानी मेरी प्यारी बहना उधर मत ध्यान दीजिए। अब मेरी प्यारी बहना जी मैसेज आ रहा है मेरी माता रानी का। ठीक है ठीक है। अवश्य ही मेरी माता रानी मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, अब हमने क्या करना है जिससे कि हम इस बच्चे को ठीक कर पाए, भला चंगा कर पाए, स्वस्थ कर पाए। मेरी माता रानी मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, आपने इस बच्चे से 108 केले लेने हैं। 108 केले आपने मेरी माता रानी मेरी प्यारी बहना जाके पीपल पे एक एक परिक्रमा लगा के इस बच्चे के नाम से एक एक केला रखना है। एक एक केला एक एक चक्कर लगा के आपने रखना है। दूसरा, आप मेरी माता रानी मेरी प्यारी अच्छी सी बहना एक हफ्ते इस बच्चे के नाम से खट्टी मीठी गोलियां छोटे बच्चों को बांटिए। ये कीजिए, इन दो उपायों से आपको थोड़ा असर आए तो अवश्य ही मेरी माता रानी हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करेंगे मेरी माता रानी। खट्टी मीठी गोलियां और अगर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आजकल स्कूल बंद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है खट्टी मीठी गोलियां जो है गरीब बच्चों को भी बांट सकते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरी कॉल हम ले रहे हैं सुपर स्नेहा की। सुपर स्नेह जो है, सुपर स्नेह 4 जनवरी 1992 का जन्म है, विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश से, और कैन आई ट्राई टू फैसिलिट और ब्यूटिशियन लाइन, मेरा कैरियर कैसा रहेगा इस लाइन में, तो ये क्वेश्चन है संदीप जी, ये इधर लेंगे। ब्यूटिशियन की लाइन में ये लोग जाना चाहती है, और सुपर स्नेहा का क्वेश्चन है कि क्या मैं ब्यूटिशियन की लाइन में जो है वो जाना चाहती हूँ तो बताइए। सुपर स्नेहा जो है हमसे जुड़ी हुई है यूट्यूब के माध्यम से, तो जल्दी से आप लाइन पे आ जाइए। कैन आई ट्राई फॉर दिस प्रोफेशन, आ गई है संजीव जी, ये आ गई है। मेरी माता रानी मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, अवश्य ही मेरी प्यारी न्यारी बहुत अच्छी सी बहना, आदत से मजबूर है, पूछेंगे जरूर आपसे। सबसे पहले एक सवाल है मेरी माता रानी, क्या थोड़ा सा आपके अंदर ये बात है कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, थोड़ा सा अवश्य ही इस बात का मुझे आपने जवाब देना है। जी गुरु जी, ऐसा है। दूसरा, अवश्य ही एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी शादी हो गई है क्या, क्योंकि इस पत्रिका में पहले शादी में दिक्कत आए, दूसरा अगर शादी हो भी जाए तो थोड़ी खटपट रहे, और तलाक तक की नौबत भी आने की इस पत्रिका में है। तो बताइए मेरी माता रानी, क्या अब इस समय क्या है? ऊपर स्नेहा से जी गुरु जी, मैसेज आया है सुनी जी, जी गुरु जी, गुरु जी ने जो आपको क्वेश्चन किया है बेटा जल्दी से उसका आंसर। मैंने क्वेश्चन अब ये किया है मेरी माता रानी कि पहले तो शादी में दिक्कत आए, फिर शादी हो जाए तो लड़ाई झगड़ा तलाक तक की नौबत आ जाए मेरी माता रानी, तो आपने ये बताना है कि क्या ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में मुझे बताइए। शादी ही नहीं हुई है। मैंने यही कहा 29वां साल आपको लगा हुआ है, लड़कियों के लिए माफी चाहूंगा मेरी माता रानी मेरी प्यारी बहना, 29वां साल लगना और शादी ना होना एक कष्टकारी बात है माता पिता के लिए, माफी चाहूंगा, मेरा कोई दिल दुखाने का कोई मोटिव नहीं होता इस मन से। मैंने यही बोला, पहले तो शादी का सुना मिला और शादी हो भी जाए तो तलाक की नौबत आ जाए, लड़ाई झगड़े, मैंने यही आपको प्रेडिक्शन दी है पत्रिका देख के। बिल्कुल सही, क्या होता है मेरी माता रानी, 7th हाउस हमारा शुक्र का होता है, अगर हमें पति का सुकुना मिले तो हमारा शुक्र भी कहीं ना कहीं खराब होता है। आप अवश्य ही देखिए
कमा लेंगी, लेकिन आप माइंड से बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आप पैसा किसी को दे देंगी तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा आपके पास, आप माइंड से बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और मैसेज आ गया संजीव जी का कि जी गुरु जी सही कहा, जी मेरी माता रानी, जी मेरी माता रानी। तो थोड़ा सा आपने अवश्य ही अपना दिमाग भी संतुलित रखना है, पैसा किसी को ना दीजिए। अब अवश्य ही आपने काम ही यही करना है, प्रोफेशन चेंज करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं पागल नहीं हूं। काम आपने चलाना है, आप ये चाहती हैं थोड़ा सा आपको मजा आ जाए काम धंधे में, आपका थोड़ा सा गति, आपका काम धंधा पकड़ ले, तो मेरी माता रानी अवश्य ही आप एक लोटा लीजिए। बड़े ही सिंपल और बड़े ही आसान से मैं आप लोगों को उपाय बताते जाता हूँ, और जिनको आपको मजा करके, करके फर्क भी पड़ता है लोगों को जी, और जिनको काफी लोगों को फर्क पड़ता है, छोटे छोटे उपाय होते हैं जी जी जी। आपने क्या करना है मेरी माता रानी, तांबे के लोटे में जल भरना है, वो आपने अपने सराहने पे रखना है, और वो मेरी माता रानी जाके नीम के पेड़ पर चढ़ाना है। मेरी माता रानी ये उपाय कीजिए, आपके अवश्य ही रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुले हमसे बात कीजिए, पत्रिका अच्छी तरह से डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। अब संजीव जी मैंने जो है यहाँ पर गीतांजलि चावला की कॉल ली है। जय माता दी गुरु माँ, मैं अनमैरिड, आई एम अनमैरिड और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1985, 8:17, दिल्ली का है, नॉन मांगलिक। मेरे बारे में कुछ बता दीजिए गुरु जी, मेरा स्टमक भी खराब रहता है। तो ये गीतांजलि चावला है संजीव जी, गीतांजलि तो चावला जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से जो है। और ये स्नेहा, सुपर स्नेहा मैसेज आ गया है कि गुरुजी आपने जो भी कहा सही कहा, और गुरुजी मैं ब्यूटिशियन लाइन में जा सकती हूँ। हाँ जी, आपको गुरुजी ने बता दिया है कि आप ब्यूटिशियन लाइन में बेटा जा सकते हो, और जो उपाय आपको बताया है वो ब्यूटिशियन लाइन से रिलेटेड ही बताया है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको इस सफलता मिलने लग जाएगी। अब ब्यूटिशियन लाइन में क्या है कि आप जाओगे तो आपका शुगर को ठीक होना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ पर आपके 2-3 ग्रहों को ठीक किया गया है, जाकि नेगेटिव के भी आपके उतरे, उसके लिए जो उपाय बताया वो जरूर जरूर कीजिए। और गीतांजलि चावला जी का यस आ गया है, गीतांजलि चावला आ गई है संजीव जी लाइन पे। गीतांजलि चावला जी आ गई है, हाँ जी संजीव जी जी। और इनका स्टमक जो है संजीव जी खराब रहता है, और कुछ पूछ रही है कि भाई मतलब इनका आगे का कैसे रहेगा। मेरी माता रानी, मेरी प्यारी बहना, अवश्य ही आपके स्टमक को भी ठीक करेंगे मेरी माता रानी, आपको सुखी भी करेंगे मेरी माता रानी। सबसे पहले एक सवाल अवश्य ही मैं पूछना चाहूंगा मेरी माता रानी आपसे, क्या आपको जीवन में कपड़े खरीदने का काफी शौक रहा है? देखिए अभी आपकी 35 साल उम्र चल रही है, फिर भी मैं ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कौन सा आपको क्या फल दे रहा है? मेरी माता रानी, मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, क्या आपको कपड़े खरीदने और पहनने का शौक रहा है जीवन में? अवश्य ही मुझे बताइए। हाँ जी गुरु जी। और देखिए इस पत्रिका में एक और सवाल मैं आपसे करूंगा मेरी माता रानी, इस पत्रिका में आता है आप थोड़ी गुस्से वाली भी हैं, थोड़ी जिद्दी भी हैं, थोड़ी गुस्से वाली भी है, थोड़ी जिद्दी भी है, थोड़ा अपनी चलाने वाली है, घर परिवार में पूरा हुक्म चलाने वाली है। बुरा मत मानिएगा मेरी माता रानी, थोड़ी सी पत्रिका कंफर्म हो जाएगी। हाँ जी मैसेज आ गया संजीव जी का, थोड़ी गुस्से वाली भी है, थोड़ी जिद्दी भी है, थोड़ी अपनी चलाने वाली भी है, पूरे परिवार पे अधिकार चलाने वाली भी है। इस पत्रिका में बड़ी विडंबना नजर आ रही है, बड़ी अजीबोगरीब सी बात। एक ग्रह कह रहा है आपको दूध देने वाला पति मिला है हुआ है, मतलब ऐसी गाय पति के रूप में मिली हुई है जो आपकी सेवा भी करे और आपको दूध भी दे, लेकिन उसके साथ बैठा हुआ ग्रह कह रहा है फिर भी आप जीवन में कहीं ना कहीं सुखी हो पाए, तो ये क्या विडंबना है मेरी माता रानी? कैसे पति मिले हैं आपको? अच्छे पति मिले हैं, दूध देने वाली गाय मिले हैं,
या फिर उन दोनों ग्रहों ने मिलकर आपकी थोड़ी सी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, कृपा करके बताइए मुझे। ये बड़ी विडंबना सी आ रही है इस पत्रिका में। गीतांजलि चावला आपसे बात हो रही है, जल्दी से बताएं, आपने गुरु मां लिख दिया है आगे अपना क्वेश्चन जो गुरुजी ने पूछा है आपसे, जो आपके बारे में बताया है वो कितना मैच होता है, जल्दी से बताएं आपके साथ। आई एम अनमैरिडी, मैरिड ही नहीं हुई है जी। जय श्री राधे। ये मुझे विडंबना, देखिए क्या हो रही है आज पत्रिकाओं में, क्योंकि आप शादीशुदा ही नहीं है मेरी माता रानी, ये मुझे अटपटा सा लग रहा था। देखिए अब आप 35वां साल आपको लगा हुआ है मेरी माता रानी, शादी का सुख अजीबोगरीब सा मुझे इस पत्रिका में लग रहा था। तो मैरिज शादी नहीं हुई 35 साल तक की आपने करी नहीं, के होके कुछ खराब तो नहीं हो गई? देखिए साक्षी जी, ग्रह कितना बोल देते, मैं क्या कह रहा था जी। जी जी आपने यही बोला कि कहते कि सुख नहीं आ रहा है, सुख नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि कहते कि शादी हो ही नहीं पाई इनकी, और योग योग कितने शादियों के योग इनके निकल भी गए जी। 35वां साल है इनके, 28वें साल में इनकी शादी होनी चाहिए थी, 35वां साल इनको लग गया है बेटा। और देखिये गुरुमा लिखी जा रही है ये, और जो है साक्षी जी वो हिल गई है, ऐसे लाइव में प्रेडिक्शन देखी नहीं ना उन्होंने, यूट्यूब पे फेसबुक पे ऐसा कोई लाइव प्रेडिक्शन देता कौन है, पत्रिका डिस्कस ऐसी प्रेडिक्शन देख के लोग हैरान भी होंगे, तो क्या होंगे साक्षी जी आप बताइए। ऐसा जी जी, इससे पहले हमारी सुपर स्नेहा से बात हो रही थी, उन्होंने लिखा है कि गुरुमा गुरु जी आपने किस्मत का द्वार खोला है आज मेरा, जिनसे भी हमारी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि गुरुमा गुरु जी आज आपने हमारी किस्मत का द्वार खोल दिया है बेटा, उपाय कर लोगे तो किस्मत आपकी रुकी भी बंद पड़ी हुई किस्मत भी चल जाएगी, आप टेंशन ना करो, सब कुछ बढ़िया ही होगा। श्रेया जी मेरी माता रानी कोशिश करी है कुछ फर्क पड़े, वैसे तो देखिए। और ये गीतांजलि, हाँ अब बोलिए बोलिए दीदी, क्या क्या गीतांजलि? गीतांजलि चावला का मैसेज आ रहा है कि पापा सुनते ही नहीं, तो पापा जो है इनके सुनते नहीं है, यानी फादर सुनते नहीं कुछ, मतलब ये मैरिज के बारे में कुछ नहीं सोचते होंगे, वो भी क्या करें बेचारे। साक्षी जी प्रॉब्लम ये है कि समय पिता ने भी निकाल दिया और इन्होंने भी निकाल दिया, पत्रिका भी इनकी भी ऐसी है कि इन्हें भी हल्का फुल्का मामला पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए कभी पापा ने नोकझोंक निकाल दी, कभी आपने नोकझोंक निकाल दी, कभी आपने कभी निकाल दी, कभी पापा ने कभी निकाल दी, पिता और पुत्री की धनी रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे, कभी आपको पसंद नहीं आएगा, कभी पिता को पसंद नहीं आएगा। देखिए पत्रिका में बता रहा हूँ मैं, देख के आपको ये बात, पिता पुत्री के विचार नहीं मिलेंगे, कभी पिता कमी निकाल देंगे, कभी पुत्री कमी निकाल देंगे। और संजीव जी ये इनका मैसेज भी आ गया कि गुरुजी मैं जरूर उपाय जो है वो करूंगी गुरु माँ, मतलब उपाय जरूर करूंगी बेटा, उपाय करोगे रास्ते खुलते हैं। अभी आपकी आपकी पेट की समस्या को अवश्य ही दूर करते हैं, 12 केतली आपने कार्यालय से मंगवानी है, वो जल प्रवाह करनी है मेरी माता रानी, इससे आपकी पेट की समस्या दूर होगी, आपको मन को भी चैन आएगा, तन को भी चैन आएगा, आपको आपके शादी के रास्ते भी खुलेंगे। किंतु बात कीजिए, पत्रिका दिखाइए, बात कीजिए, और अच्छी तरह से आपके जीवन में आराम लेके आएंगे, और अच्छी तरह से आपके जीवन को सेट करने की पूरी हम कोशिश करेंगे मेरी माता रानी, मौका अवश्य ही दीजिएगा सेवा का एक बार, और अवश्य ही जिसने हमें मौका दिया है हमने कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया मेरी माता रानी, अवश्य ही करके दिखाएंगे आपके लिए, ये मेरा वादा है, टेंशन ना लीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जब आपको लगे कि ये गुरु बढ़िया मिल गया है वहां पे जुड़ जाइए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, तरक्की कीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि YouTube और Facebook पे आजकल अच्छे गुरु मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन इस मंच के माध्यम से तो आप समझ ही सकते हैं, 4 महीने हो गए दोपहर को और रात को आपको लाइव हम देते हुए, अगर अब भी आप 4 महीने में मेरी पहचान पा रहे, फिर कोई मुश्किल है। 10 साल से सिर्फ ये लॉकडाउन की में सिर्फ ये बंद कर रखा है, क्योंकि हम लोग इतने क्लाइंट्स जो है वो संभाल नहीं सकते, और जब ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो ज्यादा कोरोना के होने का चांसेस जो है वो बनेंगे, इसलिए हमने पर्सनल अपॉइंटमेंट सिर्फ बंद कर रखी है। अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे सिर्फ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के
माध्यम से ही जुड़ सकते हैं अभी फिलहाल। और जो है आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि कई लोगों की मेरे पास आज मैसेज आए हैं और उन्होंने बोला कि गुरुजी आप जब लाइव पे आते हैं तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि गुरुजी कब लाइव पे आते हैं। आप लोगों की बहुत सारे लोगों की समस्या थी। ये संजीव जी भारती जी की कुंडली डली हुई है, ये भारती जी सिंह राजपूत है, भारती सिंह है, ये मुंबई से। देखिए आप लोगों ने बोला कि लाइव पे जब आप आ रहे हैं तो हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि एक बार आप क्या करें, हमारे चैनल को एक बार इस अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का जो बेल आइकन है उस पे ऑल जरूर प्रेस कीजिए, तब आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। जब हम लाइव पे आते हैं आपको पता चलेगा कि हम लोग लाइव पे आ रहे हैं और आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जल्दी से आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे प्रोग्राम्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर हम भारती जी हैं, भारती सिंह मुंबई से, विवाह कब होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छी होगी। भारती सिंह जी है संजीव जी मुंबई से। मेरे भी मन में यही प्रश्न आ रहा था साक्षी जी, एक तो शादी और इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन बोली, मैं तो इनकी मानसिक स्थिति के लिए कहूंगा साक्षी जी। देखिए गुरुजी आपका प्रश्न बहुत आपका गलत है भारती जी, आपने शादी के लिए पूछा, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन आपने अपनी मानसिक स्थिति और गुस्से के बारे में कुछ नहीं बोला, आप पैसे की तरफ भाग गए, पत्रिका में आता है ये बात। भारती जी अगर आप लाइन पे आ गए तो जल्दी से कुछ बताइए। भारती भारती जी मेरी माता रानी मेरी प्यारी बहना, अगर आप लाइन पे आ गई हैं, अगर हमें सुन पा रही हैं, हाँ जी जी में कोई जवाब नहीं। मुंबई से कॉल लिया गया है जी, मुंबई से। चलिए संजीव जी क्या बताएंगे, आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं साक्षी जी, कोई कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम। भारती आ गई है, गुरु जी गुरु मां राधे राधे प्लीज। मेरी माता रानी मेरी प्यारी बहना, पहले तो आपको सादर प्रणाम है। क्या लिखा है संजीव जी कि भारती का आया है मैसेज, जी इस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में है भारती। मैंने यही आपसे बोला, आपने पैसे के लिए बोल दिया, इस समय शादी और मानसिक स्थिति के बारे में आपने बात करनी चाहिए। हाँ जी मैसेज आ गया संजीव जी। दूसरी बात देख लिए आपकी पत्रिका, सही कहा, सही कहा, आप राजकुमारी हैं, आप जीवन में आराम से सोना, आराम से खाना, आराम से उठना, एक राजकुमारी की जीवन व्यतीत करना पसंद करती है, ये पत्रिका में आता है, बताइएगा हाँ के ना। लग्जरी लाइफ जीना पसंद करने वाली ये पत्रिका है। दूसरा अवश्य ही धीरे धीरे दिल घबराने वाली भी पत्रिका है, आपका दिल ऐसे ऐसे घबराता भी रहेगा मेरी माता रानी। मैसेज आ रहे दीदी क्योंकि मेरा बिजनेस रिलेशन कुछ भी चीज सही नहीं चल रहा, बिजनेस रिलेशन कुछ भी सही। अवश्य ही आएंगे 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 मेरी माता रानी, सारी चीजें आपकी ठीक करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे मेरी माता रानी। आपका ऐसे 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 दिल घबराता रहता है, ये अभी की बात नहीं है, शुरू से आपका धीरे धीरे दिल घबराएगा। दूसरा अवश्य ही जब तक आपकी जेब में पैसे रहेंगे मेरी माता रानी तब तक आप खुश हैं, आपकी जेब में पैसे जैसे जैसे खत्म होंगे आपकी घबराहट शुरू हो जाएगी, बताइएगा हाँ या ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा इंसान अपनी माँ से रोज बात भी करता है, बचपन में छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बताता है और माँ से लड़ता भी है, बाजार जाएंगे लड़के वापस आएंगे, कोई ना कोई बहस जरूर हो जाएगी, किंतु रोज माता से बात भी होती है और माता से लड़ाई झगड़े भी, तू मैं भी होगी जरूर, और छोटी से छोटी बात ऐसा बच्चा जाके अपनी माँ को बताता है, ये पत्रिका बताती है, बताइएगा हाँ के ना। दूसरा इस पत्रिका में आता है आपके नान को या दाद को की तरफ या घर में कैंसर अल्सर या टीवी की समस्या रहे। और सर जी आपने जो पहले पूछा है उसके लिए इन्होंने बोला है कि बिल्कुल सही बोला गुरुदेव, माँ की जो बात बोली है, मन घबराने की, पैसों की जो बात बोली है वो सारी इनकी ठीक है, सारी बातें मैच करती है इनके, पत्रिका आज खंगाल दी गई है इनकी, इन्होंने ऐसी टाइम पास करने के लिए आज मैसेज किया था, इन्हें नहीं पता था कि पत्रिका ही खुल के सामने आ गई। आज पहली बार जुड़े हैं मुझे लगता है।
जी, मेरी माता जिन रानी। लोगों की पत्रिकाएं जो आज ली गई हैं वो बताइए कि आप लोग पहली बार सुने हैं तो जरूर बताइएगा। देखिए जरा, वो कैंसर का तो मैंने पूछा है, नालको या दांतों में हाँ मुझे जी हाँ बहुत जी मैसेज नीचे चले गए होंगे। अभी नहीं आया मैसेज इनका। लोग मैसेज भी रोक के देखते हैं गुरु जी की, अभी तक 15-20 बातें ठीक हुई हैं, बाकी में ठीक है कि नहीं है देखिए हाँ अवश्य ये है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में ही संजय जी इनकी कॉल जो है वो लग गई है। मैंने मेरी माता रानी कैंसर के बारे में भी पूछा आपसे, आपके नानको या दादको की तरफ, या घर में किसी को कैंसर अल्सर या टीबी की शिकायत तो नहीं है, बताइए जरूर। देखिए कितने सौभाग्य की बात है संजय जी जो है आज ही कॉल लगाई है और आज ही लग रही है, आज ही मैसेज किया है इन्होंने और आज ही इनकी बात हो रही है। जी, अवश्य और ये स्पेशली कह रही है कि भारतीय माँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, माँ की तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है। मैं माँ को ही आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि उनका ध्यान रखिए, उनसे कैंसर के से संबंधित रोग हो सकते हैं। टीवी कैंसर अल्सर या फिर जो है आपकी टीवी, टीवी तो ये ध्यान बड़ा रखिए। ध्यान रखिए, कहीं उन्हें सिस्ट होते हैं या कुछ भी होते हैं, गांठे बनती है, आपने ध्यान रखना है अपनी माता जी का। दूसरा, आपने कभी भी किसी को पैसा नहीं देना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना है मेरी माता रानी, कभी किसी को पैसा नहीं देना। आप पैसा दे देंगे आपका पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरा, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है मेरी माता रानी, आपको जीवन में जब भी गुस्सा चढ़ेगा वो आपके लिए बहुत नुकसानमंद रहेगा, आप गुस्से में कुछ भी कर जाएंगी, कुछ भी बोल जाएंगी। एक स्नेहा भी बोल रही है कि गुरुवार मैं भी 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आज मेरा लग गया नंबर। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुस्से में मेरी माता रानी आप अवश्य ही कुछ भी कर जाएंगी, कुछ भी बोल जाएंगी, ये बहुत एक गंभीर सोचने वाली बात है। ऐसे जातक देखे गए हैं, गुस्से में आते हैं तो कुछ भी उठा पटक थोड़ा ताड़ी कर जाते हैं, ये थोड़ी एक गंभीर विषय वाली बात है मेरी माता रानी, ये बहुत सोचने वाली बात है मेरी माता रानी, और ये डरने वाली भी बात है मेरी माता रानी। तो मेरी माता रानी, मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, मेरी न्यारी सी बहना, बड़े सोच समझ के आपने जीवन में कदम थूकने हैं, बड़े सोच समझ के कदम उठाने हैं आपने। थोड़ा सा आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, आपको जीवन में जोश महसूस हो, ये उपाय अवश्य ही आपको बताता हूं। आपने मेरी माता रानी 12 दिन लगातार 12 बारी दूध में अंगूठा डाल के चूसना है, 12 दिन ये उपाय आपने करना है। दूसरा, अवश्य ही आपने मेरी माता रानी क्या करना है, 5 केदुली कार्यालय से मंगवा के आपने मंदिर में रखनी, ये 2 कार्य कीजिए, चमत्कार को आप नमस्कार खुद कहेंगे। वैसे तो मुझे पता है आप थोड़ी कंजूस है, पता नहीं दोनों उपाय करें ना करें, यही मुझे डर है। दोनों उपाय कॉम्बिनेशन में बताए हैं, कर लीजिएगा, केदुली और अंगूठा चूसने के दोनों उपाय आपने करने हैं, इसके बाद चमत्कार आप खुद देखेंगे कितना आपको आराम मिलता है। आराम आए तो अवश्य ही मुझसे बात कीजिएगा। तो यहाँ पर संजय जी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है सुवल फिटनेस खयाती जी का। तो खयाती जी हमसे जुड़ी हैं 12/1/1986 का जन्म है, 5:45 का जन्म है, दिल्ली का। वॉन्ट टू मेक करियर इन रेकी हीलिंग एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ये रेकी हीलिंग में और बिजनेस में जाना चाहती है। ख्याति जी की पत्रिका मेरे सामने खुल गई है। ख्याति जी आपकी जो पत्रिका मेरे सामने खुली है वो आपकी धनु लग्न की पत्रिका है। लग्नेश आपका दशम नीच का होकर बृहस्पति आपका जो है यहाँ पर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, और वो भी चंद्र के सामने गज केसरी योग बना रहा है। और लगन के अंदर आपके सूर्य बुध और शुक्र का बुध तथा योग भी है, लेकिन शुक्र जो है वो सूर्य से थोड़ा सा जल रहा है, और शनि आपके 12वें भाव में, मंगल केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है। तो ख्याति जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैरिड लाइफ में आपको मुझे बहुत डिस्टर्बेंस लग रही है। आप ये क्वेश्चन का भी आंसर देंगे कि आप ये रेकी में आप जा सकती है नहीं जा सकती है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मैरिड लाइफ में आपकी डिस्टरबेंस है या नहीं है, जल्दी से भारतीय जी का बताएं। मैसेज है, आपने सब कुछ सही कहा है। जी हाँ जी गुरु जी आपने आज सब कुछ सही बताया, बहुत बढ़िया भारती। आपने आपने उपाय कैंसर उनकी का जवाब नहीं दिया भारती जी। मम्मी की सभी की तबीयत खराब रहती ना, वो ये बता रही है कि मम्मी की तबीयत खराब रहती है, वो डायग्नोज होगी या होगी नहीं, ना। परिवार में या किसी में एक बार ही बताते, मैं मुझे पता चलता कोई आस आस पास ही परिवार में।
पता चलता है। तो यहाँ भारती जी का मैसेज जो है, अभी हमने किसका मैसेज लिया जी, ख्याति का, ख्याति जी का आपने, ख्याति जी अगर आप लाइन पे आ गए हैं तो जल्दी से बताएं, जो मैंने आपको बातें बताई है उसमें से कितनी बातें ठीक है आपकी। ख्याति से हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, कोई फिटनेस ख्याति, हाँ ये दोबारा से मैसेज आ गया। ख्याति का मैरिड लाइफ में यहाँ पर डिस्टरबेंस आपकी आ रही है बेटा, थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में नोक झोंक लगी रहे और 35वां साल आपको चल रहा है लगता है। संजीव जी मैसेज नहीं आया अभी इनका, हाँ यस यस हाँ हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर क्या आपका दोनों चीजें ही सही है जो मैंने आपको बताई है कि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है और आपके हस्बैंड से आपकी बनती भी नहीं है। हाँ जी डिस्टर्बेंस है, आपका मैसेज आ गया सुअल फिटनेस के नाम से, ये मैसेज कर रही है आप लोग, सब लोग चेक कर सकते हैं। तो ख्याति आपने कहा कि आप जो हीलिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उसके लिए बेटा आपके लिए एक ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन आप चूज कर रही हैं और आप देखने में सुंदर भी होंगी ख्याति, आपके फीचर्स भी बहुत शार्प होने चाहिए, आप देखने में सुंदर भी होने चाहिए, अट्रैक्टिव भी होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के बेटा आपके योगा योग बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया आपने ख्याति, ये भी जरूर बताइए। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो आप गुरु जी ने बोल दिया है कि आप जा सकती हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर एक तंत्र मटकी कार्यालय से मंगाकर आप जल प्रवाह कर सकती है बहते पानी में ख्याति, तो यहाँ पर जो है ये कार्य अगर आप करती हैं तो बहुत आपको जो है रिजल्ट आपके बहुत जल्दी आपको मिलने के योगा योग जो है वो बनते हैं। उपाय कीजिए, फर्क आपको जरूर जरूर पड़ेगा। तो संजीव जी मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे जो, अगर आपको हमारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, आप काफी लोग कह रहे हैं कि हमें आप लोग कब लाइव में आते हैं हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या करें उसके लिए, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो बेल आइकन होता है उसपे ऑल का ऑप्शन को आपने प्रेस करना है और आपने इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि आपका जो आपका मैसेज है वो आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी जिन लोगों ने मैसेज को ग्रुप में शेयर किया होगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज ही आप हमारा ट्विटर को ट्विटर जो है साक्षी संजीव ठाकुर के नाम से ओपन करके उसे जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहां पर भी हम बहुत सारी चीजें आपको ज्योतिष से रिलेटेड और प्रोग्राम से रिलेटेड जो है आपको देते हैं। तो दर्शकों ऐसे ही बहुत सारे उपाय आपके साथ में लेकर आते रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान करते रहेंगे। रोज आपसे 3 बजे मिलते हैं, दोपहर को और रात को 10 बजे आपसे मिलते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे 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 राधे।